हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने बड़ी तैयारी की है। लगातार हमलों के लिए इजराइल की सेना बड़ी तैयारी कर रही है। तो हमास के खात्मे की इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है और इजराइल ने बड़ी तैयारी की हुई है। दरअसल अब इजराइल एक रणनीति बना रहा है जिसके तहत वो हमास का वजूद मिटाना चाहता है और इजराइल ने बड़ी तैयारी की है, लेकिन जो बंधक बनाए गए हैं हमास के द्वारा उसी को लेकर के अभी इजराइल रुका हुआ है क्योंकि हमास बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, महायुद्ध ब्रेकिंग, आपको बता दें कि हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने बड़ी तैयारी की है। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने एक रणनीति तैयार की है। लगातार हमलों के लिए इजराइल की सेना बड़ी तैयारी कर रही है। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो कि अब जमीनी स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार है क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल को ऐसे जख्म दिए जिसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। इजराइल हमास युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमास ने दावा किया है कि गाजा में 35,000 लड़ाके तैनात है। इजराइल से जमीनी युद्ध के लिए हमास के 35,000 लड़ाके तैयार होने का दावा किया है। तो जमीनी युद्ध की तैयारी इजराइल कर चुका है, लेकिन हमास ने किस तरीके से तैयारी पुख्ता की है? जमीन पर हमास के 35,000 लड़ाके मौजूद है और जो लेबनान का आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला, उससे भी हमास को मदद मिल रही है। दरअसल जमीनी लड़ाई के लिए इजराइल तैयार है, टैंक मौजूद है वहां पर, लेकिन जो आम नागरिक है उनको संदेशा भी पहुंचाया जा रहा है कि वो इलाका खाली कर दे क्योंकि वहां पर अब जमीनी युद्ध होने वाला है। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री के लेबनान को चेतावनी, कहा हिजबुल्ला युद्ध में शामिल हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति के बाद हॉलैंड के प्रधानमंत्री भी इजराइल जाएंगे। अब तक ग्रीस, इटली, ब्रिटेन, जर्मन, अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं इजराइल का दौरा। इजराइल हमास युद्ध का आज 18वां दिन, हमास पर ठिकानों पर इजराइल ने की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, हमलों से हुई तबाही का नया वीडियो आया सामने। गाजा में इजराइल के हमलों में हमास के ठिकाने पूरी तरीके से बर्बाद, कई इमारत भी हुई जमींदोज। गाजा में हर तरफ तबाही ही तबाही। हमास और इजराइल युद्ध पर अमेरिका ने किया बड़ा दावा, कहा सीज फायर से हमास को संगठित होने का समय मिल जाएगा, फिर और भी बड़े आतंकी हमले कर सकता है हमास। इजराइल की धमकी के बाद हमास का भी पलटवार, कहा गाजा में इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 35,000 लड़ाके तैयार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से की मुलाकात। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि हमास सभी बंधकों को करे रिहा। इजराइल दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति ने युद्ध पीड़ितों से भी की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल से युद्ध के बीच गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। हमास पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी, इजराइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी, कल भी इजराइल ने हमास के 400 ठिकानों को बनाया निशाना, इन हवाई हमलों में हमास के कई ठिकाने बर्बाद। बीती रात हुए इजराइल के हवाई हमलों में हमास के कई कमांडर्स के मारे जाने का दावा, हमास की रुसीरत शाती और अल फुरकान बटालियन के डेप्यूटी मारे गए।